मेरी कजन अरुबा है ना, उसने सबको टेंशन दी हुई थी और शर्मिंदा भी किया। अरे मगर वो तो बहुत मासूम सी लगती है। आपने वो मुहावरा तो सुना होगा, शक्ल मोमन और करतूत का अफराना। कब्र में टांगे लटकाए बैठे हैं बड़े मियाँ, आज मरे कल दूसरा दिन ये सारी मालो दौलत धरी की धरी रह जाएगी। हौसला करो, जहाँ इतना सब कुछ हुआ है और भी हो जाएगा। मैंने कभी आपके हक पर डाका डालने का नहीं सोचा था, मुझे माफ कर। जान छुट्टी। संभालो दादा, अबू संभालें खुद को। बेटा बेटा तुम इनको लेकर अंदर जाओ, ले जाओ। ये तुम अंदर जाओ बेटा, हम अभी आते हैं। दादा अबू आप यहाँ कहाँ बैठेंगे, उठे आए अंदर चलें। बेटा बेटा तुम अंदर जाओ, हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठ के खुले फिजा में बातें करेंगे। आप यहां सर्दी में क्यों बैठ गई? आप भी तो बैठे। मुझे सर्दी नहीं लगती। हौसला करें, हौसला करें अजीज साहब, जब फैसला कर लिया तो हिम्मत भी करें। वो यही इस शहर में अपनी माँ के साथ खेला करती थी, उसकी हंसी की आवाज आज भी मेरे कानों में रस खोलती। माँ के मरने के बाद भी वो यहाँ खेलती रहती थी। मेरी गुड़िया चली गई। हाँ दानियाल, पहुंच गए हो? हाँ सोमी, मैं पहुंच गया। अच्छा ये बताओ कि मामा कहाँ हैं? आई थिंक सो रही हैं, ऑफिस से काफी लेट आई थी। अच्छा फिर उन्हें सोने देना, सो मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूंगा। दानियाल आई मिस यू। अरे पापा अभी सिर्फ 4 घंटे हुए सोमी कि मैं कराची से दुबई आया, तो मैं अभी से याद आ रही हूँ। मुझे तो तुम अगले 4 मिनट बाद ही याद आना शुरू हो गए। चलो जी फिर हो गए सारे काम। ना मुझे परवाह नहीं, बस मोहब्बत कम है। अब सुमी मैं थक गया, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। तुम रोमांस से इतना भागते क्यों हो? नहीं मैं घबराता नहीं हूँ, बस डर लगता है। क्यों, डेंगू है क्या? जी हाँ, ये बिल्कुल डेंगू की तरह एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि बंदा तो क्या काम से। दानियाल। अच्छा बाबा फिर कॉल करूंगा ना, बोला ना, अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। बाय। पता नहीं मैं इतना भागता क्यों है। नीरूबा खा ले रोटी। नहीं खा लेना रोटी रूबा। रोटी से पला क्या गुस्सा? वेख पुत्र तूने यहाँ आके ना बड़ा ही चंगा किया। देखे ना हम तेरे अपने रिश्तेदार हैं, खूनी रिश्ता है हमारा तेरे साथ। ये मामा मामी नाना नानी ये सिर्फ बखावे के रिश्ते होते हैं तीरानी। वे क्या नहीं तूने
कैसे अगलों ने तुझे कहार से काट के बाहर मारा है? तू हमारे पास आई है, हम तुझे सीने से लगा के रखेंगे। तू मेरा पुत्र, रोटी खा ले, है? कुछ नहीं होता, चल मेरा बच्चा। एक गल तो दस जरा मुझे मिलती, तेरा कहीं वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा, या मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई इश्क मटका तो नहीं किसी लड़के के साथ चल गया? सुगरा, कहती तो तू सची है, इसकी माँ ने जैसे गुल खिलाए थे, कैसे कैसे चक्कर चलाए थे उसने। हाय हाय, डायन मेरे बच्चे को खा गई, मेरा बच्चा उसके गम में मर गया। चले अम्मा जी, हौसला रखे ना, रोना टोना डाले, चल खा बुरकी, रोटी खानी है तो खा, खा लेना खाना। तो चल फिर मैं तुझे ना तेरा बिस्तर दिखाऊं, जा सोया जा तेरे। ओ चल चुक ले, रोटियां कितनी खाती है, जान नहीं तेरे में। ओए रूबी पकड़ी, अल्लाह दी पनाह, बड़ी मीसनी है अम्मा जी, जरूर कोई चन चढ़ा के आई है, पूरी अपनी मां मंगरी लगती है मुझे। आप मनो ना मनो, इसका जरूर कहीं ना इश्क मटका होगा। आजा, ये किसका बिस्तर है? वैसे तो ये मेरी मंजी है, मगर तू सफर करके आई है ना, इसलिए तू सो जा। अगर मुझे सोना होगा तो मैं दूसरी मंजी तेरे बिस्तर के बराबर में डाल लूंगी, ठीक है? शकल देखो आप आगे, क्या हुआ? बहुत देर हो गई है, आई थिंक हमें सो जाना चाहिए, सुबह मेरा ऑफिस है, ठीक है? मैं अच्छा, मैं बीच में नहीं सोऊंगी, मैं तो कॉर्नर पे जाके सो रही हूँ, तुम लोग दोनों मुझे बहुत तंग करती हो। हम तंग करती? अरूबा की बच्ची तंग करती है, पूरी रात तो जाती रहती है और इसकी वजह से हम भी नहीं सो पाते। जी नहीं, मैंने कुछ नहीं, कैसे तुम लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया, मैं पूरी रात कोई नहीं जागती। अच्छा जी, लो हो गए बिला वजह बदनाम, देख रही हो ना आज का तुम। जी नहीं आपी, झूठ बोल रही है, पूरी रात तो तुम जाती हो, पढ़ाकू कहीं की बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह। कौन पढ़ता है इतना, मैं कब, तुम लोग पढ़ने कब देते हो मुझे? हाँ बोलो। चुप कर जाओ, तुम दोनों झगड़ा करने शुरू कर दिया है, चुप करके खामोशी से सो, तुम दोनों की वजह से सुबह ऑफिस हमेशा मैं लेट जाती हूँ। चलो जाओ, चलो नाजिया। नानी अम्मा, मेरा दिल कर रहा है मैं आज आपके साथ ऐसे चिपक के सोऊं। मेरे साथ चिपक के लिए हटो यहाँ से, हटो। क्या नाजिया फौजी ने कुछ कह दिया? हटो यहाँ से मेरे पास से। नहीं तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बस यूं ही मेरा दिल चाह रहा है आपके साथ ऐसे। यूं ही तो हरगिज नहीं। अरे वो तुम्हारी बहने हैं, तुमसे इतना प्यार करती हैं, नाराज हो जाएंगी। चलो हटो मेरे पास से, और मुझ पे इतने दम नहीं है कि तुम सारी रात मेरे साथ चिपक के मेरी हड्डी को दुखाती रहोगी। आपके साथ ऐसे ही सोऊंगी। बच्चा हटला। क्या चीज, पगली गई। हट मेरे साथ। मंगनी का इनविटेशन देने आया था, उस दिन दानियाल का हाथ पकड़ के इसने दानियाल को कहा था कि आप मुझसे शादी कर लें। एक गल तो दस जरा मुझे मिलती, तेरा कहीं वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा,
या मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई इश्क मटका तो नहीं किसी लड़के के साथ चल गया? मेरे मासूम बेटे पर इल्जाम लगाते वो स्कूटनी को हया नहीं आई, अपने करतूत छुपाने के लिए मेरे बेटे पर इल्जाम लगा दिए। और अम्मा भी अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से उसका और दानियाल का चक्कर चल रहा है। सबूत है मेरे पास। सबूत है तो दिखाओ, वरना खामखा के लिए मेरी बच्ची के ऊपर संगीन इल्जाम मत लगाओ, समझी तुम? अरे बस कर दे अम्मा भी, अब तो उसे शह देना छोड़ दे। आपकी इसी ढील और चश्म पोशी ने उसे इस हद तक आजादी दे दी है कि अपनी बड़ी बहनों के होते हुए वो खुद दानियाल को फंसा रही है। तौबा तौबा, मेरा आमिर बचपन से इस घर में रह रहा है, कभी सुने कोई चक्कर आपने? ऐसे ही मेरे बेटे को बदनाम कर दिया, निकाल बाहर करें उसे। लो खा लो, खा लो बेटा, खा लो बेटा। क्या मसला है तुम्हारे साथ? दो दिन तक ठीक रहते हो फिर तुम्हें दौरा पड़ जाता है। अल्लाह मैं क्या करूं? ये लो खाओ। बंद करो, चुप रहो। कितनी मुश्किल से वो डायन यहाँ से गई है, मैं तो शुक्र करती हूँ कि यहाँ से दफन हो गई। और तुम उसको याद करके रो रहे हो? तुम रो रहे हो उसके लिए? पता भी है वो क्या कर रही थी? तुम्हारी बहन के हक पे डाला डाल रही थी, बेवकूफ कहीं की। या अल्लाह मैं भी किस पत्थर से सर फोड़ रही हूँ, क्या करूँ, कैसे समझाऊँ, कैसे समझाओ उस पागल को? पागल हो तुम, गंदी गंदी। चलो यहाँ पे, याद करो अपनी अरुबा बाजी को, जा रही हूँ मैं यहाँ से। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा, बड़ा है अरुबा का चहिदा। अच्छा बेटी क्या कर रही है? अम्मा जी तुझे वाजे मार रही हैं, जगा के उनकी बात सुन, शोखी ना होवे ते। अरे तू तो कितनी खूबसूरत लग रही है, हैं? बड़ी कोई परी लग रही है। बड़े झुमके भी बड़े अच्छे लग रहे हैं तेरे ऊपर तो, हैं? कहां से है? बड़े खूबसूरत झुमके तेरे लग रहे हैं। है।
देखो लड़की, ये तुम्हारा शहर तो है नहीं जहाँ दिन चढ़े यानी आधी दोपहर के बाद सुबह शुरू होती है। ये तो गांव है, यहाँ पर तो अलग सुबह यानी मुर्गे की पहली अजान से सुबह शुरू हो जाती है। अब जब तुम्हें यहाँ रहना ही है तो यहाँ के तौर तरीके तो अपनाने हो गए हैं, हैं? समझ गई ना जी? चल जा, जाके जरा काम तो देख। बहना बिचारी सारा दिन अकेली काम करती रहती है। हाँ हाँ तू जाना, ऐसा कर हांडी देख ले, बर्तन धो दे और झाड़ू पोछा भी कर देना, मैं बस अभी आती हूँ। जाना। ला क्या करूं, बेड़ा गरक हूं इन बिजली वालों का, एक घंटे से बिजली नहीं है, कब से तैयार हूं, मुझे फंक्शन में पहुंचने कपड़े ही नहीं है। जाहिद कुछ करो ना। मैं क्या करूं? तुम बिजली के महकमे में हो, करो उन्हें फोन और कहो कि हमारे बिजली भेज दें। ऐसा नहीं होता तहसीन बेगम, ये शेड्यूल ऊपर से बनकर आता है। तो क्या अल्लाह के पास से बनकर आता है शेड्यूल? क्या पहनकर जाऊं मैं, कोई सूट स्त्री नहीं है मेरा। अरे भाई इसीलिए तो कहता हूँ कि एक दो जोड़े स्त्री करके हैंग कर दिया करो अलमारी में, ताकि वक्त जरूरत काम आ जाए। ये जो मशवरे तुम मुझे दे रहे हो ना, अगर तुम जाके ये अपने महकमे में दो तो हम इस लोड शेडिंग के अजाब से बच सके। अरे बाबा मैं क्या, मेरी औकात क्या, एक मामूली सा क्लर्क हूँ, इज्जत बचा कर बैठा हूँ यही बहुत है। निकम्मे नालायक क्लर्क हो तुम, इसीलिए कहती हूँ इस घर को बेचो और किसी पोश इलाके में चलो, ताकि इस बिजली के अजाब से तुम बच सके। ऐसा करते हैं सदर या वजीर आजम के इलाके में ले लेते हैं घर, वहाँ लोड शेडिंग नहीं होगी। है सच, वहाँ नहीं होती लोड शेडिंग, वहीं चलते हैं ना, इस छोटे से मनुष्य इलाके से तो निकलते हैं ना। मुझे तो लगता है इन बिजली वालों का सारा नजला इसी मोहल्ले में गिरता है आकर, मौत आए इन सबको, करंट लगे इन सबको जालिमों को। अरे 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 तहसीन बेगम, बदवाएं देने से पहले सोच लिया करो, मैं इसी महकमे में काम करता हूँ। अब गुस्से में कुछ समझ नहीं आता, दिल तो मेरा ये कर रहा है कि जाके सबका सर फाड़ दूं मैं। दो घंटे से लाइट नहीं है और तुम तो कुछ नहीं समझते। मैं नहीं समझता, बाकी ये सब समझती है, सर फाड़ दूं। किन सोचो में गुमसुम यहाँ बैठी हुई है भाई, तू पूरी अपनी माँ पे गई है, वो भी हरे किसके मुतलक बैठी सोचती रहती थी, ना माँ ने कोई कम सिखाया ना कोई वसब सिखाया। अरे सुगरा, इसकी नानी ने अपनी बेटी को ही कुछ काम नहीं सिखाया था तो इसको क्या सिखाती है? वैसे भी शहर की लड़कियों को सिवाय फैशन करने और सुर्खी बॉर्डर लगाने के आता ही क्या है, है? और तू फिकर ना कर अम्मा जी, तू फिकर ना कर, मेरे हथे चढ़ गई है ना ये सारा काम कार सिखा दूंगी। उंज भी अम्मा जी, ये जो शहर की लड़कियां होती है ना, इनको पेंड के काम शाम नहीं आते। देख सुगरा, जरा अच्छी तरह से काम सिखाना और इसके नाज रखने यहाँ नहीं चलने के। ओ तू फिकर ना कर अम्मा जी, फिकर ना कर, देख रहे कैसे ठुडे मारती हूँ इसको मैं। नी नी छेती उठ, उठ के ना सारे घर में झाड़ू लगा और ये जो बर्तन पड़े हुए है ना काले साबन के साथ रगड़ रगड़ के तो चल शाबाश, चल अम्मा जी। बेटे ने उन्हें घर से निकाला था तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि एक दिन हमारी औलाद भी हमें इस घर से निकाल देगी। अरे मुझे तो फिक्र हो रही है, अगर ये दोनों अलग अलग रहने पे तैयार नहीं हुए तो इन्हें कौन रखेगा? हाँ, ये तो बड़ा अहम नुक्ता सोचा है आपने। धड़कने जिनसे बंधी